everyone, welcome all, welcome back to my YouTube channel. My name is Gaurika and I hope you all are amazing and doing great. So guys, आज मैं जा रही हूँ अपना जीवन टेस्ट देने. जिनको नहीं पता, जीवन इज़ अ ड्राइविंग लाइसेंस और एक एज अ कैनेडियन आइडेंटिटी भी यूज़ हो जाता है कैनेडा में. तो वैसे तो मेरे को एक साल हो गया है, मैं एक साल बाद अपना जीवन टेस्ट देने जा रही हूँ अब तो. क्योंकि मेरे को ना मेरे सारे फ्रेंड्स ने ऐसे मतलब मजाक भी उड़ाना स्टार्ट कर दिया था मेरा कि जहाँ तेरे पास अभी तक जीवन भी नहीं है. तो ध्रुमिल ने भी नहीं बनवाया हुआ था, ध्रुमिल इज़ माई फ्रेंड, तो उसने भी नहीं बनवाया हुआ था. तो हम दोनों ने सोचा कि हम पहले जाते हैं और अपना जीवन ही बनवाते हैं सबसे पहले अब, क्योंकि अब बहुत हो गया है, एक साल हो चुका है अब. तो हाँ, अभी हम वो जाएंगे एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि कैसा था और कैसा सब कुछ हुआ और कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं. आई विल टेल यू एवरीथिंग, तो इस व्लॉग को एंड तक देखना. और मैं अभी अपनी बस की वेट कर रही हूँ. मेरी बस आनी है 11:05 के आसपास, तो अभी मैं बस स्टॉप पर ही खड़ी हुई और मैं बस की वेट कर रही हूँ. फिर ये बस मेरे को टर्मिनल उतारेगी, टर्मिनल से मुझे एक और बस लेनी है, फिर वहाँ से मैं जाऊँ मतलब वहीं पे लोकेशन पे पहुँचूँगी. ध्रुमिल पहले ही निकल गया क्योंकि उसका जो पासपोर्ट था वो उसके पास नहीं था, उसके किसी रिलेटिव के पास था. तो उसके रिलेटिव सीधा वहीं पर ही ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पर ही आएंगे उसको पकड़ाने, तो वो जल्दी निकल गया था, वो मेरे को सीधा वहीं पर ही मिलेगा. तो अभी मैं बस की वेट कर रही हूँ एंड देन जो भी, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैंने क्या बोला है. मेरे को थोड़ा सा ऐसे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि मेरे को ये बोलना है, मेरे दिमाग से ऐसे निकल जाता है कि मैंने क्या क्या बोला है. वैसे ना गाइज, आज का वेदर इतना अच्छा हो रहा है ना, और आज तो ठंड भी नहीं है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है. मैंने सिर्फ यही डाला हुआ है, इसके नीचे मैंने कोई लेयरिंग नहीं करी आज. और आज का टेम्परेचर है 18 डिग्री है, तो आज अच्छा भी है और धूप भी निकली है. मैं आपको दिखाती हूँ अभी. इस 11:09 हो चुके हैं और मेरी बस आई नहीं है. पहले डिले होगी और अब आई नहीं है. और ये वाली बस ना धोखा करती है हमेशा, मतलब उसमें दिखाती है गूगल मैप्स पे भी कि आएगी, बट आती नहीं है और अब शो नहीं कर रही है. पता नहीं, मैं 2-3 मिनट और वेट करती हूँ, अगर आई तो ठीक है, वरना मेरे को बिल्कुल वहाँ चल के दूसरे वाले बस स्टॉप पर जाना पड़ेगा, वहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी. धक्का करती हैं यहाँ की बसेस. आगे बस आ गई. सो गाइज, हमने यहाँ से स्लिप निकलवा ली है और अभी वी आर वेटिंग फॉर आर नंबर. हमारा नंबर बोलेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे, आई चेकअप करवाएंगे और आई चेक करते हैं वो, एंड वो कुछ हाइट वगैरह पूछते हैं, मुझे नहीं पता, आईज चेक करते हैं वो और हमारी हाइट वगैरह पूछते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है. क्योंकि मैं भी वीडियो देख कर आई थी एक यूट्यूब की, तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, जब पता लगेगा तो मैं आपको आके बताऊँगी. बाकी ये ध्रुमिल मेरे पे हंस रहा है फालतू में, इसके भी मैं शक्ल दिखाऊँगी रोने लग जाएगा. गाइस, तो मैंने और ध्रुमिल ने कर लिया है अपना जीवन पास और जीवन लाइसेंस क्या होता है, टेस्ट होता है. तो गाइस, हमने अपना ऐसा बोला मेरे को जीवन मिल गया अभी. हाँ, अरे नहीं, वो अजीब साउंड करेगा, मेरे को जीवन मिल गया. चल इतनी वो मत कर. हमने गाइस जीवन टेस्ट पास कर लिया, मैंने भी कर लिया, ध्रुमिल ने भी कर लिया, और जो जीवन है वो हमारे घर आ जाएगा अभी बाय मेल, हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा. और मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं अभी बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो अच्छे से आई डोंट थिंक सो कि सुनाई देगा. तो मैं आपको घर जाके अच्छे से बताऊँगी कि क्या हुआ था, कितने क्वेश्चन थे, कैसा टेस्ट था और कैसे सारा प्रोसीजर था.
तो लेट मी गो होम एंड देन उसके बाद आपको बताऊंगी. बाकी अभी आप खुश हो लो कि मैंने पास कर दिया. सो गाइज आई एम बैक एंड अब मैं आपको तसल्ली से बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है जीवन का. तो वह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ. तो जब मैं वहाँ पर गई थी तो सबसे पहले तो मैं गई थी मिसिसागा वाली लोकेशन पर. मैं ब्रैम्पटन वाली लोकेशन पर नहीं गई थी क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने पहले जीवन दे दिया है उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था कि जो मिसिसागा वाली लोकेशन है वो कंपेरेटिवली ब्रैम्पटन वाली लोकेशन से ज़्यादा बेटर है. क्योंकि अगर वेटिंग भी करनी पड़ती है तो मिसिसागा वाली लोकेशन पर वेटिंग एरिया है, वहां पर हम बैठ सकते हैं, बट ब्रैम्पटन वाली लोकेशन पर नहीं है. इसलिए मैं मिसिसागा वाली लोकेशन पर गई थी. तो सबसे पहले जब मैं गई तो वहां से ना हमें एक स्लिप निकलवानी होती है जो बताता है कि आपको कौन से काउंटर नंबर पर जाना है. तो वहां से सबसे पहले आप स्लिप निकलवा लेना. जब स्लिप निकलवा लोगे तो आपको उस पे काउंटर नंबर पता लग जाएगा कि हाँ आपको इस काउंटर नंबर पे जाना है और आपको वेट करना पड़ेगा. जब आपका नंबर आएगा तो आप थोड़ा सा बोर्ड्स वगैरह पे भी ध्यान रखना कि हाँ आपका जब भी नंबर आए तो आप उस काउंटर नंबर पर चले जाना. जब आप काउंटर पर जाओगे तो आपको सबसे पहले तो वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे. उसके बाद फिर वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, उस पर आपके साइन वगैरह करवाएंगे एंड आई थिंक चार कुछ क्वेश्चंस होते हैं. तो वो क्वेश्चंस के येस और नो में आंसर देना होता है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या आपकी आईसाइट वगैरह. तो मेरे को तो स्पेक्स लगे हुए हैं तो उसमें मैंने येस भरा था कि हाँ मुझे आईसाइट की वो प्रॉब्लम है, मतलब मेरी आईसाइट वीक है तो उसका था. तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप वो फॉर्म भर देना. उसके बाद फिर वो आपसे पेमेंट करवाते हैं और जो पेमेंट होती है वो $160 की होती है. तो और उसके अंदर आपका जीवन और G2 इंक्लूडेड होता है. तो पेमेंट करवाने के बाद आपको वो जो फॉर्म दे देते हैं, फॉर्म के बाद आपको वो टेस्ट सेंटर के अंदर भेज देते हैं, सॉरी टेस्ट रूम के अंदर भेज देते हैं. तो टेस्ट रूम के अंदर जब आप जाते हो तो आपसे वो फोन स्विच ऑफ करवा देते हैं और आपको आपकी सीट्स पर भेज देते हैं. जब आप सीट पर जाकर बैठते हो तो वहां पर एक टच स्क्रीन कंप्यूटर लगा होता है जहां पर आपके क्वेश्चंस आते हैं. तो क्वेश्चंस का क्राइटेरिया क्या होता है, टोटल 40 क्वेश्चंस होते हैं, 20 रूल्स वाले होते हैं और 20 जो होते हैं वो साइंस वाले होते हैं. तो मेरे को सबसे पहले रूल्स वाले 20 क्वेश्चंस आए थे और उसके बाद मेरे को साइंस के 20 क्वेश्चंस आए थे. और जो 20 क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आप अगर 4 से ज्यादा गलत कर देते हो तो आपका टेस्ट वहीं पर ही रुक जाएगा. बट मेरे नहीं गलत हुए थे. मैंने मतलब पहले वाले में मेरे 4 गलत हो गए थे. एक ज्यादा गलत होता तो हाँ मतलब मेरे को दोबारा से टेस्ट देना पड़ता, बट लकीली मेरे नहीं हुए. मेरा पहले वाला भी मतलब हो गया था और दूसरा जो साइंस वाला था वो भी हो गया था. तो आपको 16 से ऊपर 16 टोटल करेक्ट होने चाहिए, 4 से ऊपर गलत आपके नहीं होने चाहिए, वरना आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ेगा. और अगर आपको दोबारा टेस्ट देते हो तो आपको $15 या $16 और भरने पड़ते हैं और वेटिंग वगैरह करनी पड़ती है. तो आई सजेस्ट कि आप पहले से अच्छे से एक तो पढ़ के जाओ, दूसरा कोई टाइम लिमिट नहीं होती है. वहां पर आप बैठो, आराम से क्वेश्चन आए तो उसको 2 बार पढ़ो और 4 MCQs होते हैं, चारों MCQs को देखो कि हाँ क्या है क्या नहीं है. तो मैं कहूँगी आई विल सजेस्ट कि हाँ टेक योर टाइम और क्वेश्चंस को पढ़ो, MCQs को पढ़ो और अपना अच्छे से टाइम लेके टेस्ट दो ताकि आपको दोबारा से टेस्ट ना देना पड़े, आपकी $15 भी सेव हो जाए और आपका टाइम भी सेव हो जाए. तो उसके बाद फिर जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है. वो आपका नाम लेते हैं और नाम लेते हैं तो आपको ना वो पेपर पे एज अ टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं. उसके बाद फिर जो और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी आप अपना एड्रेस दो तो वो प्लीज़ डबल चेक करके देना. क्योंकि जो आपका लाइसेंस आता है, फिजिकल लाइसेंस आता है, वो आपका बाय मेल बाय पोस्ट आता है तो वो आपके एड्रेस पर ही आएगा. तो ये ना हो कि आप गलत एड्रेस दे दो और वो किसी और एड्रेस पर पहुंच जाए. तो डबल चेक योर एड्रेस एंड जो आपका लाइसेंस आएगा वो आपका 3 to 4 weeks के अंदर अंदर आ जाता है.
बाकी जो जहां से मैंने पढ़ाई करी थी, जहां से जो भी मैंने पीडीएफ से या जो भी मैंने ऐप से पढ़ाई करी थी, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वो लिंक भी चेक कर लेना। मैं लोकेशन भी डाल दूंगी कि मैंने मिसिसागा वाली कौन सी लोकेशन पर गई थी, और एक ब्रैम्पटन वाली लोकेशन भी है। अगर आप किसी और सिटी में हो तो आप हाँ वहां पर भी देख सकते हो, वहां पर भी हर सिटी में एक ड्राइविंग टेस्ट सेंटर होता ही है, तो आप वो देख सकते हो। एंड दिस वॉज माई होल एक्सपीरियंस। और इतनी ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं होता है टेस्ट, इट्स वेरी बेसिक, जो बेसिक रूल्स होते हैं सब कुछ है वो होता है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बस आराम से खुले दिमाग से आप अपना टेस्ट दो, एंड आई होप ये वीडियो आपको काम आए, एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मुझे और अच्छा लगता है कि हाँ मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाऊँ और पोस्ट करूँ। सो बाय बाय, टेक केयर।